हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लेके आए हैं आपके लिए पैरामीशियम का स्पेशली अगला क्लास, जिसमें हम देखेंगे रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में और उसी साथ देख लेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। ये कह लें कि आज की क्लास में हम तीन टॉपिक को क्लियर करेंगे, किसके बेसिस पे, अपने पैरामीशियम के बेसिस पे। तो पहले नंबर पे देखेंगे थोड़ा सा हमारा क्या स्पेशल रिस्पायरेशन कैसे होता है और उसके साथ एक्सक्रीशन कैसा है और ऑस्मोरेगुलेशन कैसा है। तो तीनों टॉपिक को डील करने से पहले ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए, फिर चलेंगे हम आगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट कवर कर लेंगे तो आपको बाद में फिगर क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी, जैसा ऊपर हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। ओके स्टूडेंट, आपका एक अच्छा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो जब स्क्रीनशॉट आपने कवर कर लिया तो हमने आप हेडिंग आपने डालिएगा यहाँ पे, अपन का पढ़ना है रिस्पायरेशंस। क्या पढ़ना है? रिस्पायरेशंस। तो हम रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशंस को एक साथ देख लेते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन को बगल में डील कर लेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रिस्पायरेशंस। अमीबा की भांति, मतलब जैसे अमीबा वर्क करता था अपने पेलिकल के लेयर से, वैसे ये भी क्या करता है, अपने ही बॉडी से रिस्पायरेशंस करता है। ठीक, अब जब रिस्पायरेशंस करता है तो क्या होगा, ये प्रोटोजोआंस, अब जानते हैं कि ये कहाँ होगा, एक जली है, वाटर में रहता है, वो भी कैसे, अनसॉल्ट वाटर, मतलब सॉल्टी वाटर में नहीं रहता, अनसॉल्ट वाटर का ऑर्गेनिज्म है। और स्पेशल इसके लेयर पे क्या होता है, पेलिकल के आवड़ होते हैं, जिसे डिफ्यूजन की क्रिया एक्टिविटी करता है। क्या करता है? डिफ्यूजन की एक्टिविटी लगातार करता रहता है। जब देखो स्टूडेंट, जब डिफ्यूजन की एक्टिविटी कह रहा है तो यहाँ पे जो हमारा वाटर होगा, जिस वाटर में ये पैरामीशियम पाया जाएगा, स्पेशली वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, घुला होगा, वहां पे डिजोल्वल ऑक्सीजन होगा उसके अंदर, किसके, पानी के अंदर या वाटर के अंदर। अब जब वाटर के अंदर क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, हमने पढ़ा था, आपको पता होगा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो किसी भी वाटर में ये दिखाता है कि इसमें ऑक्सीजन कितना है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मांगे जा रहे हैं या फिर डिमांड किए जा रहे हैं। तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ओके, तो अब जब ये पॉइंट्स हमारे पास हो जाता है तो हमने देखा क्या कि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्वल है, घुला हुआ है। जब ऑक्सीजन घुला हुआ है और स्पेशल यहाँ पे जो इसका इसके अंदर, मतलब इसका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है बट कम होता है। कैसा होता है? साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो क्या होती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन काम आ जाती है। हमको पता है कि स्पेशल जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स एनिमल होते हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स होता है, उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा तो वहां पे स्पेशली सारे मटेरियल, सारे फूड मटेरियल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के वजह से वहां पे हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन वहां पे लिया जाता है, जिसको हम ऑक्सीशोषण के नाम से जानते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है ये कहाँ होगा, पेलिकल के लेयर से होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन अंदर की ओर मूव करती है, किससे, पेलिकल से। कौन सी एक्टिविटी होगी, डिफ्यूजन की एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है, डिफ्यूजन की एक्टिविटी द्वारा ये क्या करेगा, जो वाटरेड फॉर्म है, वाटरेड ऑक्सीजन है, ठीक, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर की ओर रिमूव हो जाती है। ये दोनों एक्टिविटी डिफ्यूजन के वजह से होता है। कैसा होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। इतना तो हमने डील कर लिया। आगे बात कर लेते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी की। आपको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स एनिमल होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक को हम एडिशनल रिएक्शन कहते हैं और कैटाबॉलिक को कटर रिएक्शन कहते हैं। जो एडिशनल रिएक्शन होता है उसमें छोटे छोटे मालिक्यूल्स को मिला के बड़े मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। आपने फोटोसिंथेसिस देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखा होगा, वो स्पेशली किसी भी लिविंग थिंग्स में, ये कह लें कि प्लांट में एडिशनल रिएक्शन मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटी दिखाता है। वहीं हम कैटाबॉलिक की बात करेंगे। कैटाबॉलिक को हिंदी में अपचयी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। कैटाबॉलिक क्या करता है, बड़े मालिक्यूल जैसे ग्लूकोज का हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में तोड़ देना, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मालिक्यूल्स में ग्लूकोज को बदल देना, ये होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जब कैटाबॉलिक एक्टिविटी किसी भी लिविंग थिंग्स में होता है तो वहां पे स्पेशली एक्सक्रेशंस के सिस्टम्स आते हैं। क्या आते हैं, एक्सक्रेशन सिस्टम आ जाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क करने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा अभी स्पेशल रिस्पायरेशंस, अब देखते हैं एक्सक्रेशंस
कि हमारा एक्सक्रेशन कैसा है। अब जब हमारे पास क्या हो रहा है, कैटाबोलिक एक्टिविटी हो रहा है, तो इसमें स्पेशली क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजनी बेसिस हुआ, जो अमोनिया हुआ, ये सब क्या बनते हैं, पूरे बॉडी के अंदर बनने लगते हैं। और इनको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन की एक्टिविटी द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। वो भी कैसे होगा, पेलिकल के लेयर से होगा। कैसे होगा, पेलिकल के लेयर से होगा। तो जो आपने अमोनिया देख रहे हैं यहाँ पे, जो अमोनिया बना है, वो भी क्या करता है, बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर की ओर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करेगा। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन स्पेशली क्या है, ऑक्सीजन स्पेशली, उसके साथ साथ अमोनिया भी आप देख रहे हैं, ये सब बाहर निकलते हैं। कुछ यूरिया जैसे मटेरियल होंगे, नाइट्रोजनी बेसिस होगा, वो भी क्या करेंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में, यानी कहले कि जो हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म जो होते हैं, ठीक, पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में कुछ पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो स्पेशली बाद में तो घुल जाते हैं बट पहले नहीं घुलते, या जो पहले ही विलीन हो जाते हैं। स्पेशल इनको संकुचनशील जो रीतिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, संकुचनशील रीतिकाएं टू टाइप्स के यहाँ पे डेवलप हैं। एक है इंटीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल, दूसरा है पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल। जो इंटीरियर और पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल है, इनके द्वारा जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ये कह सकते हैं कि इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम के बेसिस पे दो छोटे छोटे वैक्यूल वर्क कर रहे होते हैं। ये सिलिया है जो लोकोमोशन में वर्क करता है, ओरल ग्रो जहां से भोजन अंदर की ओर मूव करता है, क्या करता है, भोजन अंदर की ओर जाता है। और ये हमारे पेलिकल के लेयर है जिससे डिफ्यूजन की एक्टिविटी द्वारा होता है। डिफ्यूजन एक्टिविटी कहता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल का जाना डिफ्यूजन कहता है। यहाँ पे क्या होता है, अर्ध पारगम झिल्ली होता है, वो नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन की एक्टिविटी होती रहती है। ठीक, अब देखो जो पार्टिकल्स हमने बता दिया, ये ओरल सिलिया है जहां से भोजन अंदर की ओर खींचता है, और ये हमारा साइटो पाए गए, मतलब ये भी क्या करता है, स्पेशली हमारे उस सर्जन में, यानी जो हमारा स्पेशल एक्सक्रेशन सिस्टम्स हैं उसमें भी ये वर्क करता हुआ नजर आता है। तो ये रहा आपका रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशंस के बारे में। तो अब हम डील करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन एक्टिविटी की, ऑस्मोरेगुलेशन कैसा होता है स्पेशल पैरामीशियम्स के बॉडी में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोरेगुलेशन की एक्टिविटी है वो स्पेशली कंडक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। कैसा होता है, कंडक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। तो इसको हम शायद हिंदी में कहते हैं परासरण नियमन, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन, जो ऑस्मोसिस एक्टिविटी होती है उसको सही तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तो इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ये स्पेशली किसके द्वारा होगा, कंडक्टाइल वैक्यूल होगा, जो हमारे पास क्या होगा, दोनों वैक्यूल काम करेंगे, मतलब जो हमारा ऊपरी वैक्यूल, मतलब इंटीरियर वैक्यूल होगा और पोस्टीरियर वैक्यूल होगा। तो अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे बॉडी होती है किसकी होती है, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो चारों ओर से स्पेशली वाटर से घिरी होती है। आपको पता होगा कि जब वाटर से घिरी होती है, जब भी वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन होता है बाहर की ओर, और स्पेशल इनके साइटोप्लाज्म में कम स्थिति होती है। क्या होती है, कम वाटर होता है, तो ये क्या करता है, स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस, क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है। जब एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होने लगता है, कब, पैरामीशियम्स के बॉडी में, तो देखा जाता है कि इनके शरीर में जल लगातार, मतलब वाटर लगातार इंक्रीज करता रहता है, मतलब अब वाटर अंदर की ओर जाता रहेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ढेर सारे वाटर मटेरियल अंदर की ओर इंक्रीज करते हैं। जब वाटर पैरामीशियम्स के बॉडी में आता है, क्यों आता है, क्योंकि इधर लोअर वाटर का कंसंट्रेशन है जबकि इधर हाइयर वाटर कंसंट्रेशन है, तो ये क्या करता है, हाइयर टू लोअर मूव करता है। इस एक्टिविटी को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस क्रियाविधि या एंडोऑस्मोसिस की मैकेनिज्म। अब तो अंदर तो आ गया, बोलता है कि जब अंदर वाटर आ गया तो हम ये देखते हैं, जिससे शरीर में स्पेशल ज़्यादा वाटर मालिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके साथ कुछ भोजन के पार्टिकल्स भी अंदर आते हैं। जब कुछ भोजन के पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं तो इसमें वाटर की मालिक्यूल्स अंदर आ जाती है, भोजन भी आ जाते हैं। स्पेशल इस दशा में क्या होता है, स्पेशल जो हमारे संकुचनशील रीतिकाएँ होती हैं, क्या होती हैं, संकुचनशील रीतिकाएँ होती हैं, मतलब यहाँ पे कंडक्टाइल जो वैक्यूल होता है उसमें स्पेशली मियोफाइबर्स, क्या होते हैं, मियोफाइबर्स लगे होते हैं। मियोफाइबर्स की सहायता से पूरे के पूरे वाटर को बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। क्या करता है, बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। यह एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे, फिगर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैक्यूलिन सिस्टोल, मतलब सिस्टोल
एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल, मतलब वैक्यूल पहले क्या करता है, फूलता है, क्या करता है, फूलता है। यहाँ पे देखो दे रहा है रेडियल कैनाल इन डायस्टोल, मतलब जो रेडियल कैनाल है वो पिच बड़ा होता है और उसके बाद ये क्या कर रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वैक्यूल इन डायस्टोल की एक्टिविटी करेगा और जो रेडियल कैनाल होगा वो सिस्टोल एक्टिविटी करेगा और लास्ट में यहाँ पे जो वैक्यूल होगा वो ब्रस्टिंग दिखा देगा, मतलब सारे के सारे जो वाटर होंगे वो इनकी बॉडी से बाहर को निकाल दे जाएंगे। ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, आप पहले से स्क्रीनशॉट कवर कर चुके हैं तो वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि नहीं किए हैं, आप भूल गए थे, ठीक, तो अभी से एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, अब देखो जब ये लगातार एक्टिविटी चलती रहती है तो इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब हमको पता हो गया कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, तो अब देखेंगे क्या कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म से वाटर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कह ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ नलिकाएं निकलती हैं, कुछ ट्यूब निकलती हैं या ट्यूब में स्रावित किया जाता है, वहां पे सिक्रेट किया जाता है, स्पेशली जहां से स्पेशल ढेर सारे नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स उसके साथ फैक्ट्रल या फिर कह लो कि एक आता है फैक्ट्रल, क्या होता है, फैक्ट्रल कैनाल द्वारा बाहर की ओर निकाल जाता है। इसमें ढेर सारे रेडियल कैनाल भी इकट्ठा हो जाते हैं जो पूरा का पूरा बाहर की ओर निकालने में वर्क करते हैं। ये पूरे मिलकर आपसी जगह मिलकर स्पेशल जो कंडक्टाइल वैक्यूल है उसमें सारे मटेरियल दे देते हैं और कंडक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, अपने इसी मेथड द्वारा क्या करता है, इसी मेथड द्वारा पूरे पूरे वाटर को बाहर निकाल देता है। ये क्या है आपका, वाटर है जो बाहर की ओर निकाला जा रहा है। जब वाटर बाहर की ओर निकल जाता है स्टूडेंट, तो आप देखिएगा कि स्पेशल जो हमारे वैक्यूल होती हैं, क्या होती हैं, वैक्यूल होती हैं, वो क्या होती है, पहले से छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि सारा सारा वाटर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब जैसे आप देख रहे हैं ये प्रोसेस, वैसे सारा वाटर बाहर की ओर निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा, स्पेशल रिस्पायरेशन को डील किया, एक्सक्रीशन को डील किया, अब ऑस्मोरेगुलेशन को डील किया। काफी कुछ था नहीं, बस छोटा सा वीडियो था, आपको देना जरूरी था। तो कैसा लगा क्लास, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।